अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वी विल डिस्कस अबाउट एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटा यूनिट जिसे हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें उसे हम कहते हैं एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एटम, कैल्शियम एटम, सोडियम एटम। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को हम शेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। हियर वी कैन सी हाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ वी डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो तरह से बनते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। सेम काइंड ऑफ एटम में हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन के टू एटम्स। ये हाइड्रोजन के टू एटम्स जब एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं। इसमें हम लेते हैं सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम। सोडियम और क्लोरीन ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये होगा एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और जो मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नाउ वी डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम कलेक्टिवली कॉल्ड एलिमेंट्स। मीन्स के वो मॉलिक्यूल्स जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं वो जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे। और कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कलेक्टिवली कॉल्ड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स की एग्जांपल क्या हो सकती है कि हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट। ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।